मैंने पूरा साल इस दिन का इंतजार किया है, आज मेरा जन्मदिन है। बधाई हो जोसे, चलो तैयारी करते हैं, पर शुरू कहाँ से करें? सबसे जरूरी चीज से ठीक है, केक। यार, अब हमें बस कुछ देर इंतजार करना होगा, हमें भूलना नहीं है। तुम्हें लगता है मैं अपने केक को भूल सकता हूँ? फिक्र मत करो, केक तैयार होने तक हम टॉपिंग बनाएंगे। मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए, मैं बाहर जाकर कुछ स्ट्रॉबेरीज लेकर आता हूँ। क्या वो स्ट्रॉबेरीज कहाँ है जो मैंने उगाई थी? ओबी, छोटे बंदर, क्या तुमने मेरी उगाई हुई स्ट्रॉबेरीज ली हैं? तो फिर वो तुम्हारे पीछे क्या है? आज मेरा जन्मदिन है, विश्वास नहीं हो रहा तुम लोग ऐसा कर सकते हो। बाहर एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं बची। शांत हो जाओ जोजे, हम कोई और फल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया आइडिया है, मुझे फल पसंद है। अब दूध, इसे मिक्स करेंगे। अब ब्लेंड करेंगे, ढक्कन। ओ जोजे, आखिरकार काम खत्म। ये बदबू कैसी? हम केक को बाहर निकालना तो भूल ही गए। मेरा केक नहीं, ये तो जल गया। शांत जोजे, आज खास दिन है, हम इस दिन को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम इस मोमबत्ती को बुझाकर अपनी विश क्यों नहीं मांग लेते? तुमने क्या मांगा? ओबी और छोटे बंदर, क्या विश्वास नहीं हो रहा, इन्होंने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी दी। इसीलिए तुम लोग सारी स्ट्रॉबेरीज ले गए थे? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज तक का सबसे अच्छा जन्मदिन। बधाई हो जोजे। वाह, कितनी गर्मी है, मैं आइसक्रीम बनाना चाहता हूँ, पर इस मौसम में आइसक्रीम का टावर बनाना पड़ेगा। अच्छा आइडिया है जोजे, शुरू करने के लिए मैं ब्लेंडर लेके आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ देखो।
एक आइसक्रीम मेकर ये 2 सेकंड में जमा देता है, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2 सेकंड में? अजीब बात है, ये नामुमकिन लगता है। आइसक्रीम ना खाना नामुमकिन है। बस फलों को यहाँ अंदर रख दो और हमारे पास बहुत सारी आइसक्रीम होगी। टाटा। अरे नहीं, आइसक्रीम जूस। मुझे नहीं लगता ये मशीन सही काम करती है। हाँ करती है, बस इसे थोड़ी और ताकत चाहिए। मैं इसमें आइस क्यूब डालता हूँ। अब इस मशीन से आइसक्रीम पूरी तरह जमी हुई निकलेगी। ओह जोजे, ये तो बहुत ज्यादा जम रही है। ये तुम्हारे लिए। क्यों ना हम अपनी आइसक्रीम खुद बनाएं? खुद बनाने में ज्यादा मजा आएगा। कोई जरूरत नहीं, लगता है इसे और बर्फ चाहिए। इस बार मैं बहुत ज्यादा डालूंगा और अब ये जम जाएगी। लगता है ये काम करेगा। ये आइसक्रीम टावर। ओह जोजे, ये तो कुल्फी जैसी लग रही है। कोई बात नहीं, हम इसे फिर भी खा सकते हैं। ये अटक गई जोजे। आय आय, मदद करो। रुको। ये 2 सेकंड्स में जमा देती है, ये तो मुसीबत बन गई। खैर जोजे, लगता है हमें आइसक्रीम को भूल जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने मशीन को तो छोड़ दिया पर मैं आइसक्रीम को नहीं छोड़ूंगा। पर तुम करोगे क्या? मैं किसी को जानता हूँ जो इस मशीन से कहीं बेहतर आइसक्रीम बना सकता है। पर कौन? मैं। ठीक है जोजे, थोड़े और फल लाते हैं। बस थोड़ा इंतजार करो। मुझे मेरा आइसक्रीम टावर बहुत पसंद आया। अब सबसे जरूरी चीज बाकी है। वो क्या है? इसे खाना। अब स्वादिष्ट, इंतजार का फल मीठा होता है। अब
हाय जोसे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे एक किताब मिली जिससे पता चला कि खाने को आकार में कैसे बड़ा करें। बढ़िया है ना? कमाल है, मुझे भी जानना है। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ जरूर, मुझे बस इसे सेब के साथ मिलाना है। और अरे वाह, ये काम कर गया। अब मेरे पास है एक तरबूज सेब। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें लगता है कि इसका स्वाद भी वैसा ही होगा? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। कितना स्वादिष्ट है। पूरा सेब खाकर मुझे प्यास लग गई है। मैं पानी पी लेता हूँ। रुको जोसे, वो पानी नहीं है, वो तो... वो क्या है? जोसे, तुम बहुत बड़े हो गए हो। ये तो कमाल है। मैं हमेशा से दानव बनना चाहता था। अब मैं बड़ों वाले फल खाऊंगा। मेरा तरबूज कहाँ है? वो वहाँ। अरे नहीं, मेरा तरबूज तो अंगूर के आकार का हो गया है। मैं तो इसे चख भी नहीं पाऊंगा। मुझे दानव नहीं बनना। कोई बात नहीं जोसे, जरूर चीजों को छोटी करने की कोई रेसिपी होगी। ये रही। प्लीज जल्दी करो, दानव बनकर मुझे बहुत भूख लगने लगी है। एक मिनट रुको। तैयार हो जोसे? बहुत बढ़िया, ये काम कर रहा है। अब मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। अरे नहीं, माफ करना जोसे। अच्छी बात ये है कि अब खाना बड़ा दिख रहा है। पर बुरी बात ये है कि अब मेरा मुंह बहुत छोटा है। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिर से ठीक करने की कोई रेसिपी है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे हमेशा के लिए चींटी जैसा मुंह नहीं चाहिए। अरे रुको, अगर नीले वाले से तुम दानव बन गए और लाल वाले से तुम छोटे बन गए, तो क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए? अगर इसने काम नहीं किया और मैं हमेशा के लिए गायब हो गया तो? खैर, ये पता लगाने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। नहीं नहीं नहीं, ये मत कहना कि मैं गायब हो गया हूँ। क्या तुम्हें ये सेब चाहिए? अरे वाह, ये काम कर गया। हमने कर दिखाया जोसे। मैं वादा करता हूँ सेब, अब मैं तुम्हें कभी नहीं बदलूंगा। जैसे फल होंगे मैं वैसे खा जाऊंगा। अरे वाह, बर्फ गिर रही है। मैंने स्नोमैन बनाने के लिए पूरा साल इंतजार किया है। अच्छा आइडिया है जोसे, बहुत मजा आएगा। मैं भी उसे तुम्हारे साथ बनाऊंगा। ओप्स, स्नोमैन ने तो मेरे सिर में बम्प दे दिया। कोई बात नहीं जोसे, हमें सिर्फ एक और स्नोबॉल बनानी है। हो गया, अब हमें इसकी बाजुएं चाहिए। और अब नाक। पर
वो उसकी नाक थी। इसकी नाक बहुत बड़ी थी, अब इसकी नाक बेहतर लग रही है। अब सबसे जरूरी एक बड़ी मुस्कान। मेरा स्नोमैन बहुत ही खुश है। वाह, बहुत ही सुंदर है। सिर्फ सुंदर नहीं, ये आज तक का बेस्ट स्नोमैन है। जोजे, बर्फबारी बढ़ रही है, अब हमें वापस अंदर चलना चाहिए। अलविदा स्नोमैन, हम फिर मिलेंगे। जोजे, तुमने कुछ सुना? मुझे लगता है स्नोमैन को ठंड लग रही है। पर वो सिर्फ एक स्नोमैन है। बेचारा, ऐसे मत बोलो, उसे बुरा लगेगा। मुझे लगता है कि कुछ बाकी है। अब ठीक है, उसके पास खाना है और वो ठंड से भी बचा रहेगा। अलविदा स्नोमैन। यम्मी, सर्दी में कुकीज से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। अल, अल, ये सबसे बढ़िया थी। मैं स्नोमैन को देखने बाहर जा रहा हूँ, मुझे उसकी याद आ रही है। स्नोमैन की चीजें गायब हो गई। जोजे, देखो पैरों के निशान। क्या ये स्नो मॉन्स्टर के पैरों के निशान हो सकते हैं? वो वहाँ ऊपर है। हे स्नो मॉन्स्टर, मुझे मेरी चीजें वापस करो। आय 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 आय, स्नो मॉन्स्टर ने मेरा सारा स्नोमैन बर्बाद कर दिया। ये तो एक छोटा बंदर है। अच्छा, तो तुम हो जिसने मेरी चीजें चुराई थी। छोटे बंदर, रुको। बहुत अच्छे जोजे, अब उसे ठंड नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया, मेरे साथ एक और स्नोमैन बनाओगे? स्नोमैन, अब तो तुम और भी सुंदर लग रहे हो। मैं अभी खेल कर आया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। पर समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं। ओ हाँ, फ्रूट जेली। ये तो बहुत अच्छी बात है जोजे। हम इस सांचे का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जेली एक खरगोश की तरह दिखे। खरगोश के आकार की जेली, ये तो मैं हमेशा से चाहता था। मुझे दो, मुझे दो। थोड़ा आराम से, पहले हमें इसे बनाना पड़ेगा। हाँ मैं तैयार हूँ। इस पानी में अब हम इस पाउडर को मिलाएंगे। स्ट्रॉबेरी जेली, इसे मिला दो। ये वाली किस चीज से बनी है, इसे भी मिला दो। और हाँ, लाइम जेली, बहुत बहुत स्वादिष्ट। इसे मत पियो जोजे, हमें इसे सांचे में डालना है।
अरे नहीं, मुझे लगा कि ये जेली जूस है, माफ करना। कोई बात नहीं, हम इसे फिर से बना लेंगे। ठीक है। ये रहा सांचा और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे। अरे नहीं, फ्रिज तो भरा हुआ है, मुझे कुछ निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं जोजे, पर अब तुम इसका क्या करोगे? ये करूंगा। हो गया। क्या एक जादुई बोतल? ये भी मिला देता हूँ ताकि ये और बेहतर हो जाए। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। अब हमें इसके ठंडे होने का इंतजार करना होगा। मुझे इंतजार करना तो आता है, पर इसे कितना समय लगेगा? जल्दी। अरे नहीं, ये तो बहुत समय ले रहा है। समय हो गया। खरगोश वाली जेली। लाल खरगोश, पीला खरगोश और हरा खरगोश। अब इन्हें खाने का समय हो गया। कितनी अजीब बात है जोजे। ये जरूर मैजिक जूस का कमाल है, उन्हें पकड़ो। ओहो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और नहीं दौड़ सकता, मैं हार मानता हूँ। जोजे, जब हमें सच में कुछ चाहिए हो तो हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें एक तरकीब चाहिए। एक तरकीब? सोचने दो। भागो और उस खरगोश को पकड़ो और मुझे पता है, मुझे गाजर के आकार की एक जेली चाहिए। छोटे खरगोश, देखो मेरे पास क्या है, गाजर वाली जेली। बहुत बढ़िया जोजे, तुमने कर दिखाया। स्वादिष्ट। खाने का समय हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, फ्रिज के अंदर का सारा खाना कौन खा गया? तुम खा गए? अरे मैं तो भूल ही गया था। क्या खाने के लिए कुछ और है, कुछ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट? हाँ मेरे ख्याल से है, स्टोर में कुछ पॉपकॉर्न रखे थे। उम्मीद है वो वही होंगे। शुक्र है कि यहाँ पर पॉपकॉर्न है और ये थैला भी काफी बड़ा है। मैं इन्हें बनाता हूँ। ये बहुत ज्यादा है। ऐसा तो नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है और ये बहुत स्वादिष्ट भी होंगे। भागो जोजे। जोजे तुम ठीक हो ना? ये तुमने क्या किया? बढ़िया, पॉपकॉर्न की बारिश हो रही है, ये तो मैं हमेशा से चाहता था। अच्छा ये बात है तो इन्हें जमीन पे गिरने से पहले खाओ। देखा जोजे, तुमने बहुत सारे दाने डाल दिए, अब ये पॉपकॉर्न की बारिश बंद नहीं होगी, हमें कुछ करना होगा। ठीक है, पर पॉपकॉर्न की थोड़ी सी बारिश में क्या बुराई है? जोजे तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। यहाँ कहाँ, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे। अरे यहाँ, मुझे पता है कि क्या करना है। बहुत बढ़िया जोजे, आखिर तुमने इसे ठीक कर दिया। मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, अब मैं कभी पॉपकॉर्न नहीं खाऊंगा।
ओ जोसे, शायद सिर्फ फेक। अपनी कुल्फी खाने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता, ये बहुत स्वादिष्ट होगी। सही कहा जोसे, अब हमें सिर्फ इसे फ्रीजर में रख के इंतजार करना है। इंतजार तो कर लूंगा, क्या इसमें बहुत समय लगेगा? ज्यादा नहीं। अरे नहीं, इसमें तो बहुत समय लग रहा है, मैं इसे अभी खा लेता हूँ। अरे नहीं, मुझे तो सिर्फ अपनी कुल्फी खानी थी। जोसे, फ्रीजर को चीजें जमाने में समय लगता है। समझ गया, इसे थोड़ा और ठंडा होना चाहिए, थोड़ा और ठंडा। अब हो जाना चाहिए। दरवाजा बंद करो जोसे। नहीं, यहाँ ठंडक है, मैं ठंडा महसूस करना चाहता हूँ। जोसे, ये तुम्हें क्या हुआ, तुम तो पूरे जम गए। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं कुल्फी कैसे खाऊंगा? ये कुल्फी के बारे में सोचने का समय नहीं है, मेरे साथ आओ, कोई हल निकालते हैं। क्या ये गर्म हो रहा है? नहीं, मुझे बस गुदगुदी हो रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो जल्दी। शांत हो जाओ, मैं कुछ और करके देखता हूँ, इस बार ये काम करेगा। थोड़ा नमक। तुम मेरे ऊपर नमक क्यों डाल रहे हो, मैं क्या तुम्हें एक फ्रेंच फ्राई लग रहा हूँ? नहीं जोसे, नमक से बर्फ पिघलती है। सच में? हाँ, बस इंतजार करना होगा। ये काम नहीं कर रहा। अच्छू, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मुझे लगता है कि हमें बर्फ तोड़नी होगी। क्या उसमें समय लगेगा? मुझे जमा ही रहने दो। यहाँ आओ जोसे। अरे नहीं, मैं तो खुद कुल्फी बन गया। शांत हो जाओ जोसे, तुम्हें सब्र करना होगा, हम कोई उपाय निकाल लेंगे। यहाँ अंदर बहुत ठंड है और बाहर बहुत गर्मी है, प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ, ये पिघल रही है। वाव, यहाँ बाहर बहुत गर्मी है। ओहो, मैं अब अंदर फ्रिज के पास जा रहा हूँ। जोसे, फिर से नहीं। मैं तो बस कुल्फी लेने गया था। वो आ गए। वो आ गए? कौन आ गए जोसे? मेरे छोटे छोटे टमाटर। बहुत बढ़िया, पर तुम इनसे क्या बनाने वाले हो? मेरी पेपरोनी सॉसेज पिज्जा सॉस, मेरी मन पसंद। अरे वाह, मुझे पिज्जा पसंद है। किसे नहीं है, सही कहा ना? चलो चले। हमारे पास पिज्जा का डो है, अब हमें इसका रोल करना है। इसे रोल करना है। अब जब डो तैयार है, मुझे वो करना है जो पिज्जा बनाने वाले लोग करते हैं। अरे जोसे, मैं बताता हूँ इसे कैसे बनाना है। तुमने तो बना दिया छत वाला पिज्जा।
वही जो हमें चाहिए था, जोजे फ्लेवर वाला पिज्जा। माफ करना जोजे, अब टॉपिंग का समय है। ये रहे टमाटर। अब सबसे जरूरी चीज, पेपरोनी सॉसेज। अरे नहीं, सॉसेज खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? बिना सॉसेज के पिज्जा मैं कैसे बनाऊंगा? शांत हो जाओ जोजे, और भी चीजें हैं जो चिकन सॉसेज जितनी स्वादिष्ट होती हैं। चुकंदर वाला पिज्जा। चुकंदर नहीं, तरबूज वाला पिज्जा। ना 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 ना, इस वाले को तुम मना नहीं कर पाओगे, राजमा वाला पिज्जा। अरे बिल्कुल नहीं, मुझे वही वाला पिज्जा चाहिए। जोजे, हमारे पास सिर्फ यही है। मुझे पता है, मैं सॉसेज उगाऊंगा। रुको जोजे, पेपरोनी सॉसेज पेड़ों पर नहीं उगते। तड़ा! ये रहा लगभग पेपरोनी सॉसेज पिज्जा। टमाटर वाला पिज्जा। मुझे पता है कि चिकन सॉसेज पेड़ पर नहीं उगते, पर टमाटर तो उगते हैं ना। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे अपना पिज्जा बहुत पसंद आया, मैं एक और बनाऊंगा, जोजे की रेसिपी। गैस करो कि आज किसका बर्थडे है। वो शुरू होता है जोजे से और खत्म होता है कैमिलोन पे। किसका बर्थडे है? मैं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे याद है, तुम्हारा केक ओवन में है। बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट होगा। अब तुम कितने साल के हो गए? एक साल से ज्यादा और 1000 से कम। और तुम अपनी बर्थडे पार्टी के लिए क्या चाहते हो? इस साल मैं चाहता हूँ कि एक कैंडी से भरा गुब्बारा ऊपर लटका हो, फिर मैं उसे फोड़ूंगा और कैंडी की बारिश होगी। मुझे तो बस गुब्बारे में भरने के लिए कैंडी तैयार करनी है। अब हमें इन्हें गुब्बारे के अंदर भरना है। आराम से, पहले मुझे इन्हें चखने दो। बहुत स्वादिष्ट है। मैं गुब्बारे को भरने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब तक तुम गुब्बारे भरते हो, मैं केक पर नजर रखता हूँ ताकि वो जल ना जाए। अच्छा आइडिया है। ये बहुत छोटा लग रहा है, इसमें और हवा भरनी चाहिए। काफी ज्यादा। वाह, कितना सुंदर है। तुम यहीं रुको गुब्बारे।
मेरे कैंडी के गुब्बारे वापिस आ जाओ। अरे नहीं, मुझे पता है कैंडी के गुब्बारे, मैं आ रहा हूँ। नहीं टहनी, ऐसा मत करो, हिम्मत रखो। मैंने पकड़ लिया। अब क्या करूं? जोजे, तुम्हारा केक तैयार है, चलो पार्टी शुरू करते हैं। अरे नहीं, बस यही बाकी था। अब मेरे पास कैंडी का गुब्बारा तो है पर केक नहीं है, मदद करो। ये तो अजीब है, ये आसमान में क्या है? क्या वो कोई पक्षी है या कोई प्लेन? नहीं, ये तो जोजे कैमिलोन है। क्या ये तुम हो जोजे? हाँ ये मैं हूँ, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। आराम से, मैं कुछ सोचता हूँ। जोजे पकड़े रहना। पकड़ लिया जोजे। हैप्पी बर्थडे जोजे। कैंडी की बारिश, ये तो आज तक की बेस्ट पार्टी है। ये तो बहुत सारे कद्दू हैं जोजे, क्या तुम फिर से कैंडी बना रहे हो? आइडिया तो बुरा नहीं है, पर नहीं, आज हैलोवीन का दिन है, मैं कुछ कद्दू के सर बनाऊंगा। पर क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता, हो ही नहीं सकता, ये असली थोड़ी है। ठीक है, फिर तो बहुत मजा आएगा, पर पहले हमें घर की सजावट करनी होगी। मुझे एक बहुत डरावना घर चाहिए। जोजे, ये क्या है? ये आंख वाली गमीज है, बहुत ही स्वादिष्ट है। पर अभी भी कुछ बाकी है, वो क्या हो सकता है? एक चादर का भूत। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जोजे ध्यान से। अच्छा है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। मुझे लगता है मुझे कद्दू सजाने शुरू करने चाहिए। ला 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 ला। टाडा! देखो, ये तुम्हारी तरह लग रहा है। क्या, मेरी तरह? चुप करो, मैं इससे ज्यादा अच्छा दिखता हूँ। रुको, मैं बहुत सारे बनाने वाला हूँ। आखिरकार, आखिरी वाला।
हे भगवान, ये आखिरी वाला तो चुड़ैल की तरह लग रहा है और हमारा घर बहुत डरावना लग रहा है। हाँ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अरे नहीं, कुछ भी, मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैंने बहुत काम किया है। अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। भूख लगी है, थोड़ा दूध पी लेता हूँ। ये आवाज कैसी थी? वो कद्दू वाली चुड़ैल। जोजे, वो क्या था? अरे नहीं, वो सारा दूध पी गई। शांत हो जाओ जोजे, इसे मैं देखता हूँ। ओए छोटी कद्दू वाली चुड़ैल, देखो मेरे पास क्या है। अरे नहीं, वो आखिरी सेब था। आखिरकार हमने पकड़ लिया छोटी कद्दू वाली चुड़ैल को। ला 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 ला। जोजे, जरा उन सबको देखो। अरे ये सब तो मेरा सारा खाना खा जाएंगे। जोजे जोजे जागो, सब ठीक है, वो बस एक सपना था, सच नहीं था, वो सब तुम्हारी कल्पना थी। फिर ठीक है, शुक्र है कद्दू वाली चुड़ैल सच में नहीं होती। टाडा, आज हैलोवीन है। ये दिन अब कैंडी और शरारतों के लिए मैं खरगोश ओबी को डराने वाला हूँ। वो बुरी तरह डरने वाला है। अरे वाह, तुम तो बहुत डरावने लग रहे हो जोजे। इस बार हैलोवीन पर बहुत मजा आने वाला है। वो हमेशा मुझे पहले डरा देता है। चुड़ैल का जादू, मुझे पता है। ये हुई ना बात, अब मैं तैयार हूँ। मैं बहुत डरावना लग रहा हूँ, वो भी बहुत डर जाएगा। कुछ कह नहीं सकते, असली चुड़ैल तो उड़ भी सकती है। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है। तो प्लान ये है कि तुम ओबी का दरवाजा खटखटाओगे और मेरे तीन गिनने पर तुम्हें छुपना है। जब ओबी बाहर आएगा, मैं उड़कर निकलूंगा और वो डर जाएगा। जोजे, क्या तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? जरूर करेगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हैलोवीन के नाम पर मैं चला। अगर मैं इस रस्सी का इस्तेमाल करूं तो काम हो जाएगा और वो भी डर जाएगा। तुम्हें यकीन है जोजे? हम अभी भी कुछ और करने का सोच सकते हैं। कुछ और करना? ना 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 ना, उसने मुझे पहले डराया था। ये मैं चला। ओबी, मैं एक चुड़ैल हूँ,
मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ। इस बार मेरा प्लान काम करेगा, ये कमाल है, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से जोसे। जोसे वो देखो, खरगोश ओबी, तुम मेरे साथ सवारी करना चाहोगे? ट्रिक और ट्रीट। बाहर कितनी गर्मी है, मुझे जूस पीना है। अरे नहीं, जूस तो खत्म हो गया, मैं तो सिर्फ ठंडा जूस पीना चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं जोसे, हम और बना लेंगे। तुम्हें कौन सा फल चाहिए? जरा सोचने दो, मुझे पता है, सारे के सारे। ये क्या है जोसे? जादुई बूंदे, ये जूस को और भी स्वादिष्ट बना देंगी। रंग बिरंगा जूस, पीने का समय हो गया। मैंने इससे अच्छा जूस कभी नहीं पिया। जोसे, तुम्हारे बाल। क्या हुआ, तुम्हें पसंद आए? मुझे लगता है तुम्हें खुद देख लेने चाहिए। अरे जोसे, मुझे लगता है तुम्हें अपने जूस में वो जादुई बूंदे नहीं मिलानी चाहिए थी। मैं फिर से देखता हूँ। लगता है मुझ पर पीले बाल जच रहे हैं। लाल कैसे रहेंगे? लाल रंग? हाँ, मैंने संतरे का इस्तेमाल किया तो मेरे बाल पीले हो गए। मैंने तरबूज का इस्तेमाल किया तो लाल हो गए। मैंने नींबू का इस्तेमाल किया तो तुम्हारे बाल हरे हो गए। अरे नहीं, अब तो मैं गोभी की तरह लग रहा हूँ। जोसे, अलग दिखना बुरी बात नहीं है, हर इंसान की अपनी खूबसूरती होती है। मुझे हरे बालों की आदत हो रही थी, पर अगर मैं पलके झपकाता रहा तो मुझे कोई क्रिसमस ट्री पर लटका देगा। अरे नहीं। शांत शांत हो जाओ, हमें इसका कोई उपाय निकालना होगा। मुझे पता है। शाबाश जोसे, तुमने कर दिखाया। इस बार तुमने कौन सा जूस बनाया? अंगूर का जूस, ये स्वादिष्ट है, लेकिन इससे मुझे और प्यास लगने लगी है। क्या हम और जूस बनाएं? जोसे,
तुम क्या कर रहे हो? मैं कैरेट सुगा रहा हूँ ताकि मैं एक स्वादिष्ट कैरेट केक बना पाऊँ, पर बुरी बात यह है कि इन्हें उगने में बहुत समय लगता है। थोड़ा सब्र करो, हर छोटे पौधे को उगने में समय लगता है। क्या हुआ जोजे? यहाँ पर कुछ है। देखो मुझे क्या मिला। वाह, ये तो संदूक है। क्या ये खजाना हो सकता है? एक खजाना, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कैंडीज। चलो पता लगाएं। अरे नहीं, ये खुल नहीं रहा। इसको अंदर ले जाकर खोलने की कोशिश करते हैं। कमाल हो गया, ये काम कर गया। इसके अंदर क्या है? खजाना? इसमें तो सिर्फ एक नोटबुक और एक पेंसिल है। एक विश नोटबुक। तुम्हारी विश पूरी होगी। तुम्हें मिलती हैं 3 विशेस। सिर्फ इमरजेंसीज में ही इस्तेमाल करें। वाह, मैं तो हमेशा से यही चाहता था। अब केक बनाने के लिए कैरेट्स के पूरी तरह उगने का इंतजार नहीं करना होगा। जोजे, इसमें लिखा है कि नोटबुक का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही किया जाना चाहिए। कैरेट केक भी तो इमरजेंसी है। मैं अपनी विश ड्रॉ करूंगा, फिर इस नोटबुक को दूर रख दूंगा। अरे वाह, कैरेट केक बन गया। ये बिल्कुल मेरी ड्राइंग जैसा है और इसका स्वाद है कुछ भी नहीं। ये तो अजीब बात है, जरा मुझे चखने दो। याक, नोटबुक ने तो गड़बड़ कर दी। इसने ड्राइंग की तरह एक खूबसूरत केक तो बना दिया, मगर स्वाद को भूल ही गई। अगर तुम अपना खुद का केक बनाओगे तो बेहतर रहेगा जोजे। सही कहा, ऐसा बेस्वाद केक तो किसी को भी नहीं चखना चाहिए, इसीलिए मैं अब ये बनाऊंगा। बनाओगे? मुझे लगा तुम कैरेट्स के उगने का इंतजार करने वाले हो। मैं उनके उगने का इंतजार करूंगा, पर ज्यादा देर तक नहीं। टाटा। और अब कैरेट्स कहाँ हैं? ये क्या है? जोजे, ये कैरेट्स नहीं, ये तो मेगा कैरेट्स हैं। नोटबुक समझ नहीं पाई कि मुझे क्या चाहिए, और अब मेरे पास पूरी जिंदगी के लिए कैरेट्स हैं। ये मुझे करने दो। जोजे, ये कैरेट्स तो घर को नीचे गिरा देंगी। बस यही बाकी था, मुझे सिर्फ कैरेट केक चाहिए था और मुझे कैरेट वाला घर मिल गया। हमें जल्दी करना होगा, इन्हें बाहर निकालना होगा। मुझे लग ही रहा था कि नोटबुक में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें अपनी विशेस मिटानी होंगी। विशेस मिटानी होंगी? मुझे पता है। तुमने क्या बनाया जोजे? कहीं इससे कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। एक इरेजर। उम्मीद है ये काम करेगा। जोजे, ये काम कर गया। क्या कोई कैरेट्स बची हैं? अरे वाह, इंतजार का फल मीठा होता है।
हाय जोजे, ये देखो मेरे पास क्या है। इन्हें मैं खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे वाह, गाजर स्वादिष्ट है। अरे नहीं, मेरी गाजरे, इन्हें वापस दो खरगोश। अरे अरे दोस्तों, हमें इन्हें बांटकर खाना है। मेरे पास एक आइडिया है, एक जिम खाने का आयोजन करते हैं और जो जीतेगा सारी गाजरें उसकी। जिम खाना, वो क्या होता है? ये एक प्रतियोगिता है जोजे। वाह, सुनने में तो मजेदार है। पहली प्रतियोगिता होगी एक सैक रेस। सबसे पहले पहुंचने वाला विजेता होगा। 3, 2, 1, भागो। बधाई हो, इसका विजेता है बनी। ये तो गलत बात है, इसके पास खरगोश के पैर हैं और मेरे पास जोजे के। शांत हो जाओ जोजे, अभी और भी प्रतियोगिताएं होंगी। दूसरी प्रतियोगिता है बड़ी स्ट्रॉबेरी को सबसे पहले कौन खाएगा। तैयार, 1, 2, 3, खाओ। क्या बात है जोजे, अब मुकाबला बराबरी पे है। आखिरी मुकाबला होगा रस्सा कशी। शुरू करो। बधाई हो जोजे, तुम जीत गए। जबरदस्त, मुझे मेरा इनाम दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं जीता हूँ, ये सब मेरी है। खाने का समय। क्या हुआ जोजे? बनी रुको, हम सारी गाजरें बांटकर खाएंगे। बहुत बढ़िया जोजे, बांटकर खाने में ही ज्यादा मजा है। टाटा किड्स, मैं तो बस बाहर खेलना चाहता था। क्या ये बारिश कभी बंद नहीं होगी? हेलो छोटे बादल, क्या बात है? अंदर आओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जोजे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक बादल को अंदर लेके आना अच्छा आइडिया है? बिल्कुल है, देखो ये कितना प्यारा है। ओप्स, मुझे लगता है इसे बाहर ले जाना ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मुझे इसका ख्याल रखना है। क्या हमारे पास कोई छाता है? देखा, तुम एक बादल को अपना पालतू बना सकते हो। नहीं जोजे, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया होगा। देखो तुम पूरी तरह से भीग गए हो। कोई बात नहीं, मुझे बारिश में नहाना पसंद है। इस बादल को संभालो जोजे, सब कुछ गीला हो रहा है। अरे नहीं, देखो एक छोटा सा पूल, हम इसमें तैर सकते हैं। बेचारा, ये तो और बिगड़ता जा रहा है। तुम सही कह रहे हो, हमें इसका ख्याल रखना होगा। तुम जल्दी बेहतर हो जाओगे, क्या तुम ठीक हो छोटे बादल? अरे जोजे, मुझे नहीं लगता ये काम कर रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, हमें इसके लिए एक सब्जियों वाला सूप बनाना चाहिए।
तुम्हें अच्छा लगेगा छोटे बादल। ए से आर्टिचोक, बी से ब्रोकली और सी से चबाना, अपना खाना चबाना। जोजे, इस तरह से तुम्हारा सूप कभी नहीं तैयार होगा। फिकर मत करो, मैं कुछ और बनाता हूँ, तुम इंतजार करो छोटे बादल। मुझे देखने दो, ये ज्यादा गर्म तो नहीं है। कितना स्वादिष्ट है। जोजे, क्या हुआ? मैं तो बस चक्कर देख रहा था। खाओ छोटे बादल। जोजे, अब ये बीमार नहीं है। बहुत अच्छे छोटे बादल। हाँ, पर अब तो ये जा रहा है। मैं चाहता था कि तुम थोड़ी देर और रुक जाते। तुम इतना दुखी मत हो जोजे, क्योंकि सबका अपना अपना घर होता है। इस छोटे बादल का घर आसमान है, पर ये हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। जब तुम्हारा दिल करे तुम आ जाना। अलविदा छोटे बादल। अच्छू। गुड आफ्टरनून ऑपरेटर, मैं अपनी कैंडी बनाने की मशीन की जानकारी के लिए कॉल कर रहा हूँ। ये, उन्होंने कहा कि वो आ गई है। बहुत बढ़िया जोजे, शायद वो दरवाजे पर ही हो। वो आ गई, मेरी कैंडी बनाने की मशीन आ गई। मैंने इसके लिए कितना इंतजार किया। जोजे, तुम्हारी ये मशीन काम कैसे करती है? ये बहुत आसान है, इसके एक तरफ फल डालो और दूसरी तरफ से कैंडी निकलती है। मजेदार है ना? अरे वाह, एक कैंडी बनाने वाली मशीन। हमें इसके निर्देश पढ़ने चाहिए। उसमें तो बहुत समय लगेगा, निर्देशों की किताब तो बहुत बड़ी है। हमें बस फल रखने हैं और बटन को दबाना है। यकीन नहीं होता, मैं हमेशा से यही मशीन चाहता था। अब क्या हुआ जोजे? अब हम और बनाएंगे। तीन मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए, पांच मेरे लिए, दो तुम्हारे लिए। देखो, यहाँ और भी बटन्स हैं। ये क्या करते होंगे? हमें निर्देश पढ़ लेने चाहिए। नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैं बहुत सारे फल रख दूंगा और सारे बटन्स दबा दूंगा, फिर हम कैंडी वाली पार्टी करेंगे। मैंने चेतावनी दी थी, हमें निर्देश पढ़ लेने चाहिए थे। प्लीज कैंडी बनाने की मशीन फिर से चल जाओ। इसे मुझ पर छोड़ दो। देखो, इस लाल बटन के बारे में क्या ख्याल है? जोजे, लाल बटन सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही बनाए जाते हैं। पर ये एक इमरजेंसी ही है, मुझे और कैंडी चाहिए।
मुझे हमेशा से सिर्फ यही चाहिए थी। जोसे और मेरा क्या? मुझे भी चाहिए थी। उप्स, मुझे माफ कर दो, इसका मतलब हमें और कैंडी बनानी पड़ेगी। क्रिसमस बस आने ही वाला है और इस साल मैं सबसे शानदार क्रिसमस मनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया है जोसे, चलो। ये तैयार है और अब मजेदार हिस्सा, आज तक का सबसे शानदार क्रिसमस। वाह, कितना सुंदर है। ऐसा नहीं हो सकता, लाइट्स वापस आ जाओ। ये मुमकिन नहीं, ये जल चुकी हैं और हमारे पास सिर्फ यही लाइट्स थी। मुझे तो बस एक शानदार क्रिसमस चाहिए था। कोई बात नहीं जोसे, हमें सोचना पड़ेगा और क्या है जो क्रिसमस लाइट्स की तरह चमकता है। हम सितारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो आसमान में है, जुगनू काम आएंगे। वो कहाँ है? क्या क्रिसमस पर अपने परिवार वालों से मिलने गए हैं? मेरे पास एक आइडिया है। जोसे, ये क्या है? घास के कपकेक्स, ये जुगनुओं का खाना है। किसी को बुलाने का सबसे अच्छा रास्ता उनके पेट से गुजरता है। मुझे नहीं लगता ये जुगनुओं का खाना अच्छा है, शायद ये गायों का मनपसंद खाना है। ये काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं? मुझे लगा था वो मेरे दोस्त हैं। उन्हें लगना चाहिए कि तुम भी उनके जैसे हो। मुझे पता है, टाडा! अरे वाह जुगनू जोसे, मुझे तुम्हारी पोशाक पसंद आई। देखो जुगनू, देखो कौन आया है, मैं भी एक जुगनू हूँ। जोसे, ये आवाज मक्खियाँ निकालती हैं, जुगनू नहीं। अरे नहीं, बस यही चाहिए था। मेरे पास ना ही असली जुगनू है ना ही नकली। दुखी मत हो जोसे, तुम्हें पता है क्रिसमस की सबसे अच्छी चीज क्या है? खाना? अरे नहीं नहीं, क्रिसमस का जादू। साल के इस खास समय बहुत सारी जादुई चीजें होती हैं। मुझे नहीं लगता मेरे साथ होंगी। मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। गुड नाइट। जोसे जोसे, उठ जाओ, रसोई में कुछ जगमगा रहा है।
अरे वाह जुगनू, तुमने मेरी बात सुन ली। जोजे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आखिरकार क्रिसमस आ ही गया और मेरे पास सेंटा क्लॉस को देखने के लिए एक प्लान है और ये कुकीज से शुरू होता है। लेकिन वो तो हर साल आते हैं पर तुम उन्हें कभी नहीं देख पाए। पर इस बार ये जरूर काम करेगा। देखो, इन कुकीज को सेंटा कभी भी मना नहीं कर सकते। और ये तुम्हें कैसे पता? ये मैंने इस रेसिपी बुक में पढ़ा है। सेंटा क्लॉस की मनपसंद कुकीज। ये बहुत स्वादिष्ट है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ध्यान दो, सेंटा क्लॉस जब आएंगे उन्हें भूख लगी होगी और फिर जब वो इन कुकीज को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखेंगे वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। हाँ? जब वो इस कुकी को उठाएंगे उससे एक धागा खींचेगा जिससे अलमारी खुल जाएगी, जिससे ये डोमिनोज गिर जाएंगे जो कि प्याज की गुलेल को सक्रिय करेगा। वो उड़कर नट क्रैकर पर लगेगा जो कि गेंद को ऊपर उछालेगा। फिर वो पेड़ की तरफ लुढ़केगी जिससे सब हिलने लगेगा और घंटी बजेगी जिससे मुर्गा उठ जाएगा और गाने लगेगा जिससे मैं उठ जाऊंगा। कमाल का प्लान है ना? क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? ये गलत नहीं हो सकता, मैंने पूरा साल इसके बारे में सोचा है। सेंटा क्लॉस? अरे तुम तो मेरा क्रिसमस खराब कर दोगे। ये खरगोश यहाँ क्या कर रहा है? तुम तो एक भुक्खड़ हो, तुम सेंटा क्लॉस की कुकीज नहीं खाओगे। जोजे, ओबी, ये क्रिसमस का भाव नहीं है, ऐसा नहीं करते। क्रिसमस का भाव? खरगोश ओबी सेंटा क्लॉस की कुकीज चोरी करके खाना चाहता है। अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहोगे तो सेंटा क्लॉस तुम्हें मिलने नहीं आएंगे। हो हो हो, मैरी क्रिसमस। क्या ये काम कर गया सेंटा? सेंटा, वाओ। ओबी को चॉकलेट की फैक्ट्री मिली और मुझे एक गाजर। मैरी क्रिसमस।